हेलो एवरीवन, अध्ययन गुरु चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एक इनपुट्स डिवाइस की सीरीज चल रही है और कई इनपुट्स के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन यहां पर एक छोटा सा कमेंट है कि सर एक आउटपुट प्लॉटर डिवाइस के ऊपर क्लिप बनाएं। तो हम इनपुट डिवाइस को अभी स्टॉप कर देते हैं। अभी हमारी जो सीरीज चलेगी वो चलती ही रहेगी, अभी इनपुट डिवाइस के बारे में भी हम बात करते रहेंगे। लेकिन आज यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट आया है कि सर व्हाट इज़ प्लॉटर, कि सर मैंने कई वीडियोस देखे हैं प्लॉटर्स के ऊपर लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, कृपया आप कोई एक वीडियो बनाए। तो आज इसी के ऊपर मैं एक क्लिप बना रहा हूँ कि प्लॉटर क्या होते हैं, प्लॉटर कितने टाइप्स के होते हैं, प्लॉटर कहाँ पे यूज किए जाते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, प्लॉटर को किसने बनाया और कितने प्रकार के प्लॉटर होते हैं। तो ये कई टाइप्स के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में फिट है लेकिन आप उसका आंसर नहीं जानते। लेकिन आज इस क्लिप में आपको ये सारे कंक्लूजन दूर हो जाएगी कि प्लॉटर क्या है, कैसे यूज किए जाते हैं, कहाँ पर यूज किए जाते हैं, किसने बनाया, कब बनाया है, कि कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, प्लॉटर होता है, आपने एक नाम सुना होगा प्रिंटर का नाम। तो जैसा आपने नाम सुना है प्रिंटर, तो ये लगभग सेम प्रिंटर की तरह प्लॉटर होता है। देखिए, वीडियो को एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा, आपको ये टॉपिक आज क्लियर होगा कि प्लॉटर क्या होता है। हमने एक इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाया था स्कैनर के ऊपर, ठीक है। और स्कैनर में देखिए क्या होता है कि कोई पेज यानी कि कोई मार्कशीट है आपके पास जो कि हाथों में है, अभी कंप्यूटर के अंदर नहीं है, आपको क्या करना है उसको कंप्यूटर के अंदर पहुंचाना है। तो स्कैनर के जरिए क्या करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं और वो चीज़ कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाती है। और हमने ये बताया था कि जब डॉक्यूमेंट हाथ में होता है, बाहर होता है, तो वो हार्ड कॉपी होती है या फिर सॉफ्ट कॉपी होती है। तो आप कहेंगे ये हार्ड कॉपी होती है, हार्ड कॉपी। और जब ये कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाती है तो ये कहलाती है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। तो स्कैनर का काम था कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देना। अब बात करते हैं प्रिंटर्स के ऊपर, जब आप प्रिंटर को समझ जाएंगे तो आपको प्लॉटर भी समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि मैंने कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया, मैंने कोई एक रिज्यूम बनाया, कोई लेटर बनाया, किसमें, कंप्यूटर में बनाया, ठीक है। तो जो कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट बनी हुई है वो तो कहलाएगी सॉफ्ट कॉपी। अब आपको क्या करना है कि मुझे इस डॉक्यूमेंट को जो मैंने कंप्यूटर में बनाया है, मैं उसको बाहर प्रिंट करवा के निकालना चाहता हूँ, हाथों में पकड़ना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, एक प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, प्रिंटर की। तो प्रिंटर से आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर दीजिए और जो भी डॉक्यूमेंट है उसको बाहर प्रिंट करवा के निकलवा लीजिए। तो सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हार्ड कॉपी। तो बेसिकली प्रिंटर का काम यही होता है कि हार्ड सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देना, यानी कि जो पेज है वो कंप्यूटर के अंदर है तो वो अभी सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन जब वो प्रिंट होकर आ जाएगी हाथों में तो वो कहलाएगी हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर का काम क्या होगा कि जो सॉफ्ट कॉपी है उसको किस में कन्वर्ट कर देना, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देना, ये प्रिंटर का काम होता है। जब प्रिंट होकर बाहर आती है तब वो हार्ड कॉपी कहलाती है। सेम प्रोसेस आपका प्लॉटर का भी यही होता है कि प्लॉटर का काम ही होता है प्रिंट करना। प्रिंटर और प्लॉटर लगभग सेम है लेकिन कुछ इसमें चेंजमेंट है जो प्रिंटर से बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन काम दोनों का एक ही होता है, प्रिंट करना, प्रिंट करना, प्रिंट करना। अब देखिए प्लॉटर क्या होता है, प्रिंटर तो हम समझ में आ गए, लेकिन इसे और भी अच्छे से समझेंगे। अभी हम जो क्लिप बनाएंगे आउटपुट डिवाइस के ऊपर तब प्रिंटर्स के ऊपर अलग बात चलेगी, लेकिन आज यहाँ पर बात चल रही है प्लॉटर्स के ऊपर। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट्स पे कि ये सब सारी चीज़ जो हमने लिखी हैं इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं प्लॉटर क्या होता है। देखिए प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो एक बड़े से होर्डिंग्स, मैप, कोई डिज़ाइंस, कोई बड़ी पिक्चर्स, उन सारी चीज़ों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। आप चौराहे पर बड़े बड़े पोस्टर देखते हो, ठीक है, इतनी बड़ी होती, जो आप वाइट बोर्ड देख रहे हो लगभग इतनी बड़ी होती है, फिर इससे बड़ी भी होती हैं पोस्टर जो चौराहे पर टंगे होते हैं। तो आप ये सोचो कि अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो प्रिंटर का साइज लगभग इतना होता है, तो वो एक पेपर में इतना लंबा चौड़ा निकाल सकता है। लेकिन जब बात हो रही है कि इतने इतने बड़े साइज अगर कोई पोस्टर है तो उनके ऊपर प्रिंट कैसे किया जाएगा, तब तो ये नॉर्मल प्रिंटर काम नहीं करेगा क्योंकि इनका साइज है A4, A3, A5। लेकिन बात हो रही है एक बड़े पोस्टर की, तो ऐसे में हम एक कोई नॉर्मल प्रिंटर का यूज़ नहीं करेंगे, हम जो प्रिंटर यूज़ करेंगे वो करेंगे प्लॉटर।
तो प्लॉटर का काम होता है बड़े बड़े जो आप मैप देखते हो, इमेज वाली फोटो वाली मैप देखते हो, मार्केट में खरीदने जाते हो, एक बड़ी सी मैप होती है, कोई बड़ा सा एरोप्लेन का ग्राफ होता है, कोई कार्टून का ग्राफ होता है, ठीक है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पोस्टर्स होती हैं, तो उनको प्रिंट करने के लिए हम लोग प्लॉटर का यूज करते हैं। आजकल तो एक मॉडर्न टाइप का ज़माना भी चल रहा है, होता है क्या टी शर्ट में लोग अपनी फ़ोटो छपवा लेते हैं, टी शर्ट में अपने हिसाब से कुछ लिखवा लेते हैं, कुछ तो ऐसा भी होते हैं कि अपने कंपनी का लोगो भी छपवा लेती है। तो इस टाइप्स की जो कागज़ होते हैं, जो प्लास्टिक्स होते हैं, जो रिबन्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, इनके ऊपर अगर प्रिंट करना हो तब तो ये प्रिंटर चलेगा नहीं, तो ऐसे में हम लोग ये प्लॉटर का यूज़ करते हैं। तो जो प्लॉटर होते हैं वो नॉर्मल जो प्लास्टिक्स होती हैं उनके ऊपर भी ये प्रिंट कर सकते हैं, कागज़ हो, कोई प्लास्टिक्स हो, कोई कपड़ा हो, उनके ऊपर भी प्लॉटर प्रिंट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये एक आउटपुट डिवाइस होती है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ ये क्या है, तो मैंने बता दिया है कि ये एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि किसी प्लास्टिक्स या फिर किसी कपड़े के ऊपर या कोई बड़े से ग्राफ के ऊपर प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। यूज फॉर ये भी मैंने बता दिया है कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं, किसी ग्राफ्स को प्रिंट करना हो, किसी इमेज को प्रिंट करना हो, ठीक है, कोई मैप हो, ठीक है, कोई कार्ड हो, उनके ऊपर प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज करते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यानी कि लाभ और हानि के बारे में बात करें कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो हेड या टेल, वैसे ये फ़ायदा भी है और नुकसानदायक भी है। फ़ायदा ये है कि मान लो कि कोई मैंने एक इमेज बनाई, ठीक है, नॉर्मल कंप्यूटर पे इमेज बनाई, अब मुझे प्रिंट करवाना है और मेरे पास ये नॉर्मल वाला प्रिंटर है, तो आपने जो इमेज इतनी लंबी चौड़ी बना के रखी हुई है, कोई एरोप्लेन का या कोई भी महल का आपने ग्राफ बनाया और उसको प्रिंट करवाना चाहते हो, तो जब आप नॉर्मल से प्रिंटर में प्रिंट करवाओगे तो ये छोटा छोटा दिखाई देगा क्योंकि वो छोटा प्रिंटर है। तो ऐसे में क्या करना है कि मुझे कोई बड़ा सा पोस्टर प्रिंट करवाना है और चौराहे पर टंगवाना है, ठीक है, तो फिर आप प्लॉटर का यूज़ करोगे। तो ये एक एडवांटेज है कि ये बड़े भरे ग्राफ को भी प्रिंट कर सकता है। प्लस मेन पॉइंट ये है इसमें कि आप चौराहे पर किसी पोस्टर को देखिएगा और गौर से देखिएगा कि उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है। अगर कोई ब्लैक कलर है तो एकदम ब्लैक कलर नज़र आता है, कोई रेड है तो एकदम रेड कलर नज़र आता है, यानी कि इसकी ग्राफ की जो क्वालिटी है एकदम हाई होती है, हाई फ्रिक्वेंसी वाली, तो ये इसमें फ़ायदा होता है। और ये जो नॉर्मल होता है ये नॉर्मली मतलब कि क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती जितनी अच्छी प्लॉटर की होती है। तो ये हाई ग्राफिक्स क्वालिटी वाले प्रिंटर्स होते हैं, कौन, प्लॉटर्स। बात करते हैं डिसएडवांटेज की कि इसमें नुकसान क्या है। तो देखिए नुकसान ये है कि जब आप ये वाला प्रिंटर यूज करोगे प्रिंटर और इसमें प्रिंट करोगे तो लगभग फटाक से आपको निकाल के दे देगा, लेकिन जब आप प्लॉटर का यूज करोगे तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब ये प्रिंट होती है तो ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा लेती है, क्योंकि जब क्वालिटी दे रही है तो टाइमिंग भी लेगी, तो ये एक एक लाइन बाय स्लो प्रिंट होकर निकलती रहेगी स्टॉप स्टॉप करके स्टेप से, और ये टाइमिंग ले लेती है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि प्लॉटर जो होता है वो टाइमिंग ज़्यादा लेती है। और प्लस दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, यानी कि महंगे भी होते हैं। महंगे का मतलब ऐसा समझ लो आप खरीद तो लोगे लेकिन अगर इसमें इंक डालने की ज़रूरत पड़ी या फिर कभी कोई चीज़ ख़राब हो गई तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा महंगे लगते हैं, फिर कि इसमें जो ख़राब हो गई उसकी जो चीज़ें लगती हैं, ठीक है, जो पार्ट्स लगते हैं वो थोड़े महंगे भी होते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। बात करते हैं इन्वेंटर की कि इन्वेंटर क्या होता है और ये कब बनाए गए। इन्वेंटर की बात हो रही कि ये कब बनाया और किसने बनाया। तो देखिए रैमिंगटन, इनके जो फाउंडर है वो रैमिंगटन रैंड, इन्होंने सबसे पहला प्लॉटर बनाया था, ठीक है, रैमिंगटन रैंड ने सबसे पहला प्लॉटर बनाया था और 1953 समथिंग, ठीक है, 1953 में लगभग इन्होंने सबसे पहला प्लॉटर बनाया। देखिए ये वही प्लॉटर है, आपने एक हिस्ट्री पढ़ी होगी कंप्यूटर्स के ऊपर, यूनिबैक कंप्यूटर, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर शायद क्लिप बनाई भी होगी, आपने देखा भी नहीं होगा, यूनिबैक कंप्यूटर। तो जब यूनिबैक कंप्यूटर बनाया गया था तब समथिंग ये प्लॉटर उस कंप्यूटर के साथ इंक्लूड कर दिया गया था कि जो कंप्यूटर में काम होगा अब वो हम ग्राफ्स में इसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं। तो ये लगभग यूनिबैक कंप्यूटर के साथ ही इसको बनाया गया था। तो रैमिंगटन रैंड ने 1953 में सबसे पहला प्लॉटर बनाया था।
अब बात करते हैं टैप्स के ऊपर, तो इसको रफ कर देते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे टैप्स के ऊपर। तो अब बात करेंगे टैप्स के ऊपर कि प्लॉटर कितने टैप्स के होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये दो टैप्स के होते हैं, कुछ लोग चार बोलते हैं, कुछ लोग तीन बोलते हैं, कुछ लोग पाँच, कुछ लोग तो आठ आठ बोल देते हैं। क्या ये बात सही है कि ये इतने टैप्स के होते हैं? आखिर कितने टैप्स के होते हैं? आज इस क्लिप में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर फ्लोटर कितने टैप्स के होते हैं। एक होता है आपका फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है, फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट हम लेंगे वो है ड्रम प्रिंटर या फिर डम प्लॉटर, ठीक है। तो ये मैंने दो टैप्स के लिखे, आप तो इसमें कई टैप्स के भी मानोगे, जैसे कि एक होता है आपका रोलर प्लॉटर, ठीक है, एक होता है आपका इंकजैक्ट प्लॉटर। तो ये सारी चीज़ें आपके बिल्कुल सही हैं, ये कई टैप्स की होती हैं, लेकिन बेसिकली जो प्लॉटर मार्केट में जो टैप्स होते हैं वो दो टैप्स के होते हैं, एक आपको फ्लैट बेड मिलेगा, एक आपको ड्रम मिलेगा, और बाकी के जो इंकजैक्ट देख रहे हो, ठीक है, और रोलर देख रहे हो, तो रोलर्स तो ड्रम के अंदर आ जाता है, इंकजेट फ्लैट बेड के अंदर आ जाता है। तो ये होते दो ही टैप्स के हो, लेकिन जो मार्केट में अलग अलग टैप्स के आप नाम देखते हो कहीं ना कहीं वो इनसे रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है, इनका एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। तो बात करते हैं कि ये जो दो टैप्स के होते हैं, एक फ्लैट बेड प्लॉटर और एक ड्रम प्रिंटर, आखिर ये होते क्या है, आखिर इनका यूज किस किस के लिए किया जाता है। आप फ्लैट बेड को ऐसे समझ लीजिए कि कोई आपने वो देखा होगा जहाँ पर हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, टेबल टाइप का, तो वैसा ही एक टेबल साइज का नाम ये फ्लैट बेड, ठीक है, एकदम फ्लैट, तो ये फ्लैट बेड की तरह बिल्कुल एक टेबल के साइज के जैसा होता है, ठीक है। तो ग्राफ तो मैं वैसा नहीं बना सकता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि फ्लैट बेड कुछ इस टाइप्स के होते हैं। तो ऊपरी का जो हिस्सा होता है वो इस टाइप्स का होगा, फ्लैट बेड, और यहाँ पर टू पेंस लगे होते हैं, ठीक है, पेंस। बात करेंगे कि अभी पेंस क्या होते हैं, ठीक है, टू पेंस लगे हैं और ये इस टैप्स के रोलर टैप्स के हैं कि जब चलेगी तो ये बाइफर टैप का भी ऐसा ही चलेगा, और नीचे वो चीज़ होती है पहिया टाइप का कि आप इसे घसकाकर कहीं भी ले जा सकते हो। तो इस टैप का आपने कहीं ना कहीं फ्लैट बेड प्लॉटर देखा होगा। अब देखिए फ्लैट बेड आखिर यूज किस लिए किए जाते हैं, कुछ ऐसे ग्राफ हैं जो कि कलर्डफुल है, मैप आपने देखा होगा जो दिखाता है कि कौन सा शहर कितनी दूरी पे, कौन से इंडिया में कौन कौन से कंट्री बसे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें मैप में होती हैं। तो ये मैप मुझे बनाना है, तो मुझे क्या करना है, एक पेपर लेना है और इसको सेट कर देना है। देखिए इसमें एक मेन पॉइंट ये होती है कि आपको ये पहले सेट करना होता है कि मैं कितना बड़ा ग्राफ बना रहा हूँ, कितना बड़ा मैप बना रहा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पेज लेना है और उसमें आप उसको चढ़ा सकते हैं, चाहे तो ये कागज़ का भी आप पेपर ले सकते हो या फिर आप प्लास्टिक का ले सकते हो, वैसा प्लास्टिक नहीं जो जग वाला होता है कि आप लेकर जाओ कहो इस पर प्रिंट कर दो, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा समझ लो जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए होंगे, आप उसको स्टिकर को उठा दो तो देख दो कुछ प्लास्टिक टाइप का होता है, तो उससे थोड़ा सा हार्ड, बिल्कुल वैसा ही प्लास्टिक, तो आप उस प्लास्टिक को सेट कर दो जितना भी आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आप किसी पेन या पेंसिल का यूज कर सकते हैं और ग्राफ को तैयार कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर में जो ग्राफ है उनको भी तैयार कर सकते हैं। तो जब आप प्रिंट करोगे तो ये पेंस का काम होता है कि इंक प्रहार करना, यानी कि जब आपने कमांड दिया कंट्रोल पी प्रिंट हो जाओ, तो ये कुछ स्टेप्स की चलेंगी यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये आपकी प्रिंट करती रहेंगी। तो ये पेन होती हैं, ये आपने जो इमेज बनाई होगी, जो मैप बनाया होगा, ये क्या करता है उनके ऊपर कलर्ड फिल करता जाता है, जो भी आपने कंप्यूटर में ऐड किया होगा जो कलर्स। तो ये पेन यहाँ से यहाँ तक राउंड मारेगी, लेफ्ट राइट अप डाउन, और ये क्या करेंगी आपने जो ग्राफ तैयार किया उनके ऊपर कलर प्रहार करती चली जाएंगी और इस तरीके से वो प्रिंट होकर तैयार हो जाएगी। तो फ्लैट बेड जो होता है एक फ्लैट की तरह होता है जहाँ पर कुछ पेंस हमारे कलर्डफुल ग्राफ्स को प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ड्रम जो प्लॉटर होता है उनका ग्राफ कुछ इस टाइप्स का होता है, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो ड्रम्स होते हैं वो किस टाइप का होता है, ठीक है। तो
तो बात करते हैं ड्रम प्रिंटर के ऊपर, और मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया है ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे कि ये ड्रम प्रिंटर आखिर कैसा होता है। नाम ही से पता चलता है ड्रम, बिल्कुल वैसा ही ड्रम जैसा कि पानी का एक ड्रम होता है। तो देख सकते हो इमेज कुछ लगभग सेम वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि पानी का एक ड्रम होता है। तो अब हम बात करेंगे ड्रम प्लॉटर के ऊपर। देखिए ड्रम प्लॉटर में एक ड्रम लगा होता है गोल गोल, और उसके अंदर ही पेज लगे होते हैं। आप ऐसा समझ लो जैसे आपने शादी के प्रोग्राम में एक दस्तरखान टाइप का, एक कपड़े टाइप का होता है ना जो हम बिछाते हैं, जो लेकर आते हैं, बिल्कुल ड्रम जैसा लिपटा होता है, तो जब धक्का देते हैं तो वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो ये वैसा ही ड्रम है, इसमें वैसा ही कागज़ लिपटा हुआ है। या पर आप ऐसे समझ लो कपड़े वाली दुकान पे गए होंगे जिसमें कपड़ा लिपटा होता है, अब वो खोलता है ड्रम को घुमाता है तो कपड़ा निकलता है। तो आप ऐसे ही समझ लो कि ये वैसा ही ड्रम है इसके अंदर जिसके ऊपर सारे कागज़ लिपटे हुए हैं, ठीक है, जिसके ऊपर प्रिंट होते हैं। तो ड्रम के अंदर भी एक पेपर लिपटा हुआ है जो कि मैंने बाहर पेपर निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब हम प्रिंट करेंगे तो ये काम कैसे करेगा। और यहाँ पर एक ये होता है होल्ड होता है, ठीक है, होल्डर, स्पीड होल्डर, कि आप कितनी स्पीड देना चाहते हो वो यहाँ पर ये लगी होती है, ठीक है। इसके पीछे साइड होता है तो उतना बेहतरीन तो ग्राफ नहीं है, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं। तो जब हम बात करेंगे जब प्रिंट करते हैं तो ये प्लॉटर कैसे काम करता है। मैंने कंट्रोल पी कमांड दिया और ये प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। प्रिंट ये कैसे करेगा कि जैसे मैंने प्रिंट के लिए इसको कमांड दिया तो ये जो अंदर ड्रम लगा होता है ये घूमना स्टार्ट कर देता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं पेंस, ये जो पेंस लगे होते हैं इसी के अंदर कलर्ड होते हैं, और यही पेंस होते हैं जो हमारे कागज़ के ऊपर प्रिंट करेगा कलर्डफुल। जैसे उसमें फ्लैट वर्ड में क्या था, एक इधर लगाया था एक इधर लगाया, ये वाइफर की तरह मूव करता है, लेकिन ये मूव नहीं करता, ये एक जगह पर स्थिर रहेगा, ठीक है। जब आपने प्रिंट के लिए इसको कमांड दिया तो ये कागज़ रोटेट होकर प्रिंट होगा जाकर, ठीक है, ये एक जगह पर स्थिर रहेगा, ये लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं करेगा जैसे कि फ्लैट बेड में पेंस करते हैं, लेकिन ये पेंस एक जगह पर स्थिर रहते हैं। बट ये जो प्रिंट करते हैं ये रोटेट जब करता है ये ड्रम, तो ये ऑटोमेटिक उसमें जाकर प्रिंट होकर निकल आता है, तो ये एक जगह पर स्थिर रहता है। तो ड्रम प्रिंटर में ये क्या होता है कि ये जब रोटेट होता है तब ये ऑटोमेटिक डिजाइंस के ऊपर पेन प्रहार करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली, टाइप्स ऑफ प्लॉटर, एक फ्लैट बेड प्लॉटर, एक ड्रम। आप इंकजेट या रोलर जो डिफरेंट टाइप्स के देखते हो वो कहीं ना कहीं ड्रम प्रिंटर या फिर इंकजेट से रिलेटेड होते हैं। ये केवल टू टाइप्स के होते हैं, इसको याद रखिएगा। अब मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं और इसके डेफिनेशंस क्या होती हैं। बात पूछी ये जाएगी कि प्लॉटर कैसे डिवाइस है, तो आप कहोगे प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्लॉटर क्या है, तो प्लॉटर एक कंप्यूटर का हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जो ग्राफ्स, इमेज, मैप्स, ठीक है, एरोप्लेन्स, डिजाइंस, ये कई सारी चीज़ों को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि नॉर्मली टैप्स में जो प्रिंटर होता है बिल्कुल सेम लाइक वैसा ही होता है। और ये कितने टैप्स के होते हैं, तो ये टू टाइप्स के होते हैं, फ्लैट बेड एंड ड्रम प्लॉटर। और इनके फाउंडर कौन से, तो रैमिंगटन रैंड ने 1953 में सबसे पहला प्लॉटर प्रिंटर का आविष्कार किया जो कि यूनिवैक कंप्यूटर में ऐड किए गए थे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्लॉटर क्या होता है, ठीक है। तो प्लॉटर एक 3D प्रिंटिंग होती है जो कि पोस्टर्स को प्रिंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अभी भी कोई कन्फ्यूजन्स हो कि प्लॉटर क्या है, इनके टैप्स में कोई कन्फ्यूजन, इनके फाउंडर में कन्फ्यूजन्स, या फिर आपको फ्लैट बेड या फिर ड्रम प्रिंटर समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट दे, कोई फीडबैक दे कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, या फिर आपको और कौन सा टॉपिक सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उनके ऊपर क्लिप ज़रूर बनेगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।